भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन भरवा भिंडी की जो रेसिपी है वो सबको बहुत पसंद आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी की इजी रेसिपी जिसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जिसे आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे जिसे हम भिंडी में स्टफ़ करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे ऐड किया है मैंने एक चौथाई छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा दरदरा इसे कूट के ऐड कीजिए। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, आधा छोटी चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड किया मैंने और एक चौथाई छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से सब कुछ मिल जाए। मसाले को थोड़ा सा बाइंड करना है हमें, इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच तेल ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम मसाले को स्टफ़ करेंगे भिंडी के अंदर तो वो निकलेगा नहीं और अच्छी तरह से वो स्टिक कर जाएगा भिंडियों पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला पेस्ट तैयार है। तो अब हम भिंडियों को तैयार कर लेंगे। इसके लिए भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करके आप उसे पूरी तरह से सुखा लीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। और अब इसे हम इस तरह से काट लेंगे। इसके दोनों तरफ को काटने के बाद पीस से इस तरह से हम कट लगाएंगे। और ये देखिए ये जो अंदर का पार्ट है इसमें हम मसाले को स्टफ़ करेंगे। इसे चेक भी हो जाएगा कि अंदर कीड़ा वगैरह कुछ है तो उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और इस तरह से हम सारी भिंडियों को तैयार कर लेंगे। ऊपर नीचे के पार्ट को काट के बीच से इस तरह से कट लगाना है और थोड़ा सा इसे अलग कर दीजिए इस तरह से ताकि मसाला इसके अंदर आ जाए। तो इस तरह से सारी भिंडियों को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम मसाला को स्टफ़ करेंगे। तो बस इसी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बनने में इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसमें भर देंगे और उंगलियों से आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर स्टफ़ कर जाए। ये देखिए, और इस तरह से हमें सारी भिंडियों को तैयार कर लेना है। बहुत आसान है। तो दूसरी भिंडी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मसाला डालने के बाद उसे अंदर प्रेस कर दीजिए और दूसरी भिंडी भी हमारी तैयार हो गई। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने दो चम्मच तेल गरम किया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन। भिंडी की किसी भी सब्जी में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा ना लगे तो इसकी जगह पर आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड किया मैंने एक पिंच हींग। सारे मसाले अच्छी तरह से तेल में चटकने के बाद अब हम इसमें भिंडियों को ऐड कर देंगे। तो जिस तरफ से हमने मसाले को स्टफ़ किया था वो पोर्शन ऊपर रखेंगे ताकि वो खुले ना, और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। इसे पकने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता पकने में। तो एक बार इसे अच्छी तरह से हिला लिया ताकि असेंबल हो जाए, कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये नीचे से फ्राई हो चुका है। अब सबको फ्लिप कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर भिंडी खुल भी गई है तो मसाला अंदर में चिपका हुआ है। तो जब हम मसाला पाउडर बनाते हैं तो उसमें तेल डाल के अगर आप उसे बाइंड करते हैं तो अच्छी तरह से वो स्टिक करता है भिंडियों के अंदर। तो यहाँ पे सबको अच्छी तरह से हमने चला लिया है। फिर से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है। अब 1 मिनट के लिए से बिना ढके हम मीडियम फ्लेम पर ही ऊपर नीचे करते हुए फ्राई कर लेंगे। और नज़दीक से आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ है भिंडियों का, और यहाँ पे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी हैं। थोड़ा सा मसाला निकला है तेल में, लेकिन अंदर भी मसाला अच्छी तरह से स्टिक है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। स्टार्टर के तौर पे ये बहुत अच्छी रहती है। आप इसे रोटी के साथ साइड डिश के तौर पे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है सबको और बनने में आपने देखा ये बहुत कम समय लगता है। इसके मसाले को आप तैयार करके स्टोर भी कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसे कभी भी बना पाएंगे। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।